अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो कैसे हैं आप सब, आई होप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी सा डिश बनाने वाली हूं, जिसका नाम है चिकन टिक्का कबाब, जो कि देख के आपके मुंह में पानी आ गया होगा। ये खाने में है एकदम वेस्टर्न स्टाइल, लेकिन बनाने में एकदम ही सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी। आप कभी भी किसी टाइम में भी बना के इसे खा सकते हैं। कोई इधर उधर का मसाला मैं नहीं डालूँगी, एकदम घर के मसालों में एकदम वेस्टर्न वाली आज चिकन टिक्का कबाब हम बना के तैयार करेंगे। ना हम इसे ओवन में बनाएंगे, ना इसे हम तंदूर में बनाएंगे, एकदम तवे पे बनाएंगे और यम्मी सा कबाब बनके हमारा तैयार हो जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह के हर मज़ेदार रेसिपी आप मेरी सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को फॉलो करें। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर देर किस बात की है, फटाफट से ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, आप बड़े छोटे कोई भी पीसेस ले सकते हैं, आपको जो पसंद है। अगर आप बड़े पीसेस का भी बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, इस तरह के पीसेस मैंने लिया है। तो आज जो मैं ये चिकन टिक्का कबाब की रेसिपी बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इजी है, आप कभी भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 400 ग्राम जो है चिकन ले लिया है, बोनलेस चिकन, और उसको अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है। तो चलिए इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बाउल। सबसे पहले मैं बाउल में डाल दूँगी हाफ कप दही। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने तीखे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये तीखा ही बहुत ही यमी लगता है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और अब मैं इसमें डाल दूंगी रेड कलर, फूड कलर का रेड कलर मैंने यूज किया है इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी भुना हुआ कसूरी मेथी, जिसको हाथों से क्रश करके हमें डालना है। इसे मैंने लिया है 1 टीस्पून, इस तरह से क्रश करके डाल देना है, इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें डालूंगी हाफ नींबू, तो सारी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सारे मसालों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 कप ऑयल। ऑयल में मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि टिक्के में मस्टर्ड ऑयल ही बहुत ही यमी सा फ्लेवर देता है। आपको अगर नहीं पसंद है तो आप अपनी नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब हमें चिकन डालना है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। अच्छी तरह से मसालों के साथ चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक के फ्रीज में 2 से 3 घंटे के लिए रख दूंगी, या फिर आप इसे 4 घंटा भी रख सकते हैं। आप जितना देर फ्रीज में इसे मैरिनेट होने रखेंगे, आपकी जो चिकन है बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही टेंडर बनेगी, बहुत ही जूसी बनेगी। तो चलिए मैं इसे ढक के 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज में रख देती हूँ। तो हमारा जो है टिक्के का चिकन मैरिनेट बहुत ही अच्छी तरह से हो गया है। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसे बिना तंदूर और बिना ओवन में बनाना है। तो मैं इसको पहले स्टिक में हम इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से एक हमें लगा लेना है और एक में हमें 4-4 लगाना है इस तरह से, और इसको रख देना है साइड पे। इसी तरह से मैं सारे स्टिक में लगा लेती हूँ। तो मैंने गैस पे तवा रख लिया है, तो तवे पे अब मैं इसमें फिर से मस्टर्ड ऑयल यूज करूंगी। तो मैं 1 टेबल स्पून जितना मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल दूंगी और ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो चलिए अब एक एक करके हम इसको रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑयल गर्म हो चुका है।
अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है स्लो में कर लिया है। एक साइड का हम कुक होने देंगे। 3 से 4 मिनट हमने एक साइड फ्राई किया। अब हम पलट के देख लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं एक साइड का अच्छा सा फ्राई हो गया है। दूसरी साइड हम फ्राई करेंगे, लेकिन इसको भी मैं इस तरह से घुमा लूंगी। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर से इस तरह से मेल्टेड बटर या फिर आप ऑयल इस तरह से लगा सकते हैं। इस तरह से लगाने से बहुत ही जल्दी ये जो है फ्राई हो जाता है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इस तरह से लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी टिक्का बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। हर तरफ से बहुत ही अच्छा फ्राई हो गया है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो चलिए गैस को ऑफ कर देते हैं। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, तवा पे इतनी अच्छी टिक्का कबाब बनके हमारी तैयार हो गई है। तो चलिए इसको प्लेट पे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारी यम्मी तवा में बनी हुई चिकन टिक्का कबाब। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं थोड़े से अनियन और इसकी चटनी, यम्मी सी चटनी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल और कटा हुआ नींबू के साथ में। तो आप ज़रूर इस मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करें, आप भी बनाएं। बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही सिंपल है, मसाला भी एकदम घर का ही है। लेकिन इसी मसालों पे आप एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का जो है चिकन तंदूरी चिकन टिक्का कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगी एक अलग और नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इस रेसिपी को एंजॉय करिए और मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलती है अलग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।